वेलकम बैक टू माय चैनल रितुस फैशन ब्लॉग। माय नेम इज रितु। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और हाँ बेल आइकन हिट करना मत भूलना ताकि जब मेरी वीडियो तो सबसे पहले आपको पता चले। सो गाइज, आज का जो मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया है, स्पेशली मैंने न्यूली वेड के लिए ये मेकअप लुक क्रिएट किया है। शादी का सीजन चल रहा है बहुत, एक उस टाइम पे जब न्यूली वेड होते हैं ना तो बहुत ही क्रेज होता है मेकअप करने का, अच्छा लगता है सजाने का। तो मैंने सोचा मैं अपनी तरफ से एक छोटा सा मेकअप लुक क्रिएट करूँ ताकि आपको भी एक आइडिया मिले कि आपको किस तरीके से मेकअप करना है, किस तरीके से अपने आप को कैरी करना है। उस टाइम पे बहुत लोग होते हैं जो आपको नोटिस करते हैं, आपकी साड़ी, आपकी ज्वेलरी, आपकी मेकअप और हर चीज़, आपका हेयर स्टाइल, इवन हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ें जो है लोग नोटिस करते हैं, बिकॉज आप नई नवेली बहू हो और आपको सुंदर दिखना तो बहुत कंपल्सरी है। सुंदर सिर्फ मेकअप से ही नहीं देखते हैं, मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, इंसान अपने नेचर से भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि आँखों को भी भानी चाहिए, तो आँखों को भाने के लिए मेकअप भी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने आज जो मेकअप लुक क्रिएट किया है वो एक स्पेशली न्यूली वेड मेकअप लुक क्रिएट किया है। इस तरीके से आप अपने ससुराल में अपने आप को कैरी कर सकते हो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं स्किन को प्रेप करूंगी। स्किन प्रेप करने के लिए मैं यूज करूंगी आज गुड वाइब का रेडियंट ग्लो सीरम। 1-2-3 ड्रॉप्स लेना है, तरीके से रब कर लूंगी और अपने फेस पे इस तरीके से इसे अप्लाई करने के लिए थोड़ा 2-3 मिनट दूंगी मैं, ताकि मेरे स्किन में है अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। हो चुका है। अब मैं डॉट इन की का ये अपना फेस मॉइस्चराइजर यूज़ करूँगी मैं। अब मैं इसको अच्छे से अपने फेस पे इस तरीके से मसाज कर लूँगी। मॉइस्चराइजर जो है अप्लाई कर लिया है। अब मैं यूज़ करूँगी मामा अर्थ का सनस्क्रीन, और इसे लगाने के बाद ना फेस पे ना हल्का सा ग्लो भी आ जाता है। तो गाइस, सबसे पहले मैं अपने फेस पे प्राइमर लगाऊंगी। प्राइमर लगाने से क्या होता है ना कि पोर्स जो होते हैं फिल हो जाते हैं, और जो फिर उसके बाद हमारी स्किन ना बहुत ही फ्लॉलेस हो जाती है, और हमारा फाउंडेशन भी बहुत ही इजीली ब्लेंड होता है और अप्लाई होता है और बहुत ही फ्लॉलेस लगता है। तो यूज़ करूँगी NYB का प्राइमर। ये मुझे मिला है पर्पल से सैम्पल में, तो मुझे आज इसको यूज़ करके देखती हूँ कि ये कैसा है। तो इसे मैं ओपन कर लेती हूँ। मैंने प्राइमर जो है ले लिया है, उसमें अपने फेस के 5 पॉइंट्स पे अप्लाई कर रही हूँ। मैंने प्राइमर है वो अच्छी तरीके से अप्लाई कर लिया है। अब मैं यूज़ करने जा रही हूँ फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए यूज़ करूँगी मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन। एक्चुअली मैंने 2 फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, एक जो है लाइट कलर लेती हूँ लाइट शेड, और एक लेती हूँ डार्क शेड। फाउंडेशन को अपने बैक ऑफ द हैंड ले लूँगी और मैं अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग जो है एक शेड क्रिएट करूँगी डॉटेड फॉर्म में। अपने स्किन पर अच्छी तरीके से इसे अप्लाई कर लूँगी। ब्यूटी ब्लेंडर को मैंने अच्छी तरीके से पानी में भिगो के फिर इसको अच्छी तरीके से निचोड़ दिया है। फिर अब मैं इसको अपने स्किन पे इस तरीके से अब इसको ब्लेंडिंग के लिए यूज़ करूँगी। तो गाइज, मैं अच्छे से फाउंडेशन को जो है जैसे आप धीरे धीरे करके इस तरीके से मैं अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करूँगी। कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर। आप अपने आइज के नीचे लिड के ऊपर भी लगा सकते हो, ताकि जब आप आई शेडो अप्लाई करो तो जो कलर्स है ना वो अच्छी तरीके से पॉपअप करें। यहाँ पे मेरा एक पिगमेंटेशन है थोड़ी सी, वो जहाँ पे भी आपके पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल्स हैं, आप वहाँ पर फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं अपने से नोज़ पे फाउंडेशन जो है अपने सारे हाई पॉइंट्स पे लगा लिया है, अपने डार्क स्पॉट पे लगा लिया है। अब मैं यह करूँगी जो अपना ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी सेम, और ये जो पॉइंटेड साइड है ना ब्यूटी ब्लेंडर का, इससे डैब डैब करके कंसीलर को वहीं पर ब्लेंड करूँगी। और इसको इस तरीके से रब नहीं करूँगी, वहीं पर ब्लेंड करना है ताकि कंसीलर जो है अपनी प्लेस पर रहे, कहीं और ना स्प्रेड हो। ठीक है, तो चलो इसको से डैब डैब करके ब्लेंड करते हैं। मैंने कंसीलर को ब्लेंड कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसको एक कॉम्पैक्ट पाउडर लूँगी। आपके पास लूज़ पाउडर हो, कॉम्पैक्ट पाउडर हो, कुछ भी हो, आप उससे इसे पैक कर लेंगे और बेकिंग होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये जो स्टेप है ना बहुत जल्दी करना है। करी हूँ स्विस ब्यूटी का ऑयल कंट्रोल 2-in-1 कॉम्पैक्ट। जहाँ हमने कंसीलर अप्लाई किया है वहाँ हम क्या करेंगे, पाउडर से क्या करूँगी, उसको मैं पैक कर दूँगी। अपने आइज़ पर अप्लाई किया था मैंने, तो आइज़ पे इसको नोज़ पे, थोड़ा सा फोरहेड पे, यहाँ पे चिन पे अप्लाई किया था, यहाँ पे लिप्स पे किया था, यहाँ अपना कंसीलर को पैक कर लिया। और मैं लिप बम लगाना भूल गई थी, उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ डॉट एंड की का ये लिप बम। मसाज करते हुए अप्लाई करूँगी
इस पे मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई कर दिया है और बेकिंग स्टार्ट हो गई है। तो बेकिंग जब तक होती है तब तक मैं क्या करती हूँ, अपने फेस को फटाफट कॉन्टोर कर लेती हूँ। आज मैं कॉन्टोरिंग के लिए एक ही प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, मीन्स आई शेडो एंड कॉन्टोरिंग दोनों मैं एक ही प्रोडक्ट से करूँगी। अगर आपके पास अलग से कॉन्टोर नहीं है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सेम पैलेट में से भी एक डार्क शेड लेके अपना डार्क ब्राउन शेड लेके अपना कॉन्टोर कर सकते हो। पैलेट यूज़ कर रही हूँ वो है द जैकलिन हिल। तो मेरे फेस पे कॉन्टोरिंग के लिए जो शेड जाएगा वो ब्राउन शेड। तो अब मैं इसे अपने एक कॉन्टोर ब्रश पे, ठीक है, ज़्यादा प्रोडक्ट एक बार में नहीं लेना, इसको डैब डैब करना है। अब मैं इसको क्या करूँगी, अपना कॉन्टोर स्टार्ट कर, ठीक है। जब भी कॉन्टोर करना है ना तो इस एंगल में ब्रश को रखना है, ठीक है। ब्रश को अपने हेयर्स के अंदर लेके जाना है। फोरहेड को कर लूँगी कॉन्टोर, लाइन को अच्छे से कॉन्टोर कर लूँगी। पता है कॉन्टोरिंग करते किस लिए हैं? बेसिकली फेस को थोड़ा पतला दिखाने के लिए, थोड़ा स्ट्रक्चर देने के लिए हम कॉन्टोरिंग जो है करते हैं। तो नोज़ को भी सेम इसी ब्रश को इस तरीके से प्रेस कर लूँगी और क्या कर लूँगी, कॉन्टोरिंग हो चुकी है फेस की भी होगी। आप देख रहे होगे फेस काफ़ी स्लिम हो गया मेरा। अब मेरी बेकिंग भी हो गई है, अब मैं क्या करूँगी, पाउडर ब्रश लूँगी और अच्छे तरीके से सारे पाउडर को भी जो भी है कॉम्पैक्ट को उसे डस्ट ऑफ कर लूँगी। आई शेडो के लिए मैं सबसे पहले जो बेस है मैं ये वाला कलर जो है बेस के लिए अप्लाई करूँगी। तो इस तरीके का ब्रश लिया है मैंने, अब मैं इसको क्या करूँगी अपने ट्रांजिशन लाइन पे पहले अप्लाई करूँगी। मैंने ट्रांजिशन शेड जो है अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड कर लिया, अप्लाई कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं लूँगी अपने आउटर कॉर्नर के लिए एक डार्कर शेड। तो मैं ये वाला कलर ले रही हूँ, रेड एंड ऑरेंज कुछ मिक्स सा है कलर है ये, तो ये वाला कलर मैं यूज़ कर रही हूँ। आपको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा ब्रशेज यूज़ करने की, आप सेम ब्रश अप्लाई कर सकते हो। तो बस इसको आपको बहुत ही केयरफुली अप्लाई करना है, ठीक है। आपने सेम ब्रश तो यूज़ कर रहे हो बट इसे ना ट्रांजिशन लाइन की तरफ लेके नहीं जाना है, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ अपनी क्रीज लाइन पे और आउटर कॉर्नर पे यूज़ करना है, ठीक है। तो आप देख सकते होंगे, अब मैं क्या करूँगी इसी शेड को ना अपने इनर कॉर्नर पे अप्लाई करूँगी। यहीं पे इसी शेड को यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। बहुत ही इजी मेकअप कर रही हूँ, कोई भी डिफ़िकल्ट मेकअप नहीं है, बहुत ही इजी क्रिएट कर रही हूँ अपने आईज। सो गाइज मैं इसको अपने ट्रांजिशन लाइन पे बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करूँगी, मैं इसको सिर्फ अपने यहाँ आउटर कॉर्नर पे, इनर कॉर्नर पे और ये जो क्रीज लाइन है इस पे ही अप्लाई करूँगी। इसी सेम पैलेट में से ना एक शिमरी शेड लो, ये अप्लाई कर रही हूँ। ये थोड़ा सा हमारा रोज़ गोल्ड भी है, थोड़ा शैम्पेन कलर भी है, मीन्स मिक्स है। फिंगर में इस तरीके से ले लिया, अब मैं इसको अपने आई बॉल होता है उस पर तरीके से अप्लाई कर लूँगी। एजेस को जो है ना स्मूथ कर लेना ताकि कुछ भी अलग सा ना लगे इसमें। तो मैंने यहाँ पे ले लिया और इसको अच्छे से इस तरीके से ब्लेंड कर लिया है। आई मेकअप करने के चक्कर में ना मैं आईब्रोज भूल गई हूँ, तो आईब्रोज के लिए मैं पहले एक स्पूली लूँगी, स्पूली से इसको अच्छी तरीके से ब्रश कर लूँगी। आईब्रोज को ना मैं ज़्यादा फिल नहीं करती हूँ, बस जहाँ मुझे ब्लैंक दिखता है, स्पेस दिखता है, उस वहाँ पर मैं क्या करती हूँ फिल कर लेती हूँ। गाइस आईब्रोज जो है वो डन हो चुकी है। सो गाइस आईलाइनर के मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का ये पेन आईलाइनर। गाइज मैंने आईलाइनर जो है वो लगा लिया है, अब मैं क्या करूँगी, मैं सेम पैलेट लूँगी और वो जो शेड मैंने, जैसे कि मैंने ये सेम पैलेट ले लिया है, अब मैं जो मैंने शेड ट्रांजिशन लाइन पे लगाया था और जो अपने आउटर कॉर्नर इनर कॉर्नर पे जो कलर मैंने यूज़ किया है वो मैं इन दोनों पे बिल्कुल पतला सा एक आईलाइनर ले लूँगी, छोटा सा, दोनों में मिक्स करके इसके नीचे इस तरीके से अप्लाई कर लूँगी। मैं अप्लाई करूँगी नायका का मस्कारा, अब मैं इसको अपनी आईलैशेस पे इस तरीके से मस्कारे को अप्लाई कर लूँगी, नीचे भी मस्कारा जो है अप्लाई कर लूँगी। मैं अप्लाई करने जा रही हूँ NYP का काजल, तो मैंने काजल भी अप्लाई कर लिया है। जा रही हूँ ब्लश, ब्लश जो है मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर कॉस्मेटिक का पीच शेड है ये, पीच पिक। तो इसमें से मैं इस तरीके से ब्लश ले रही हूँ, ठीक है। अब मैं इसको अपने अब मैं करने जा रही हूँ फेस के हाइलाइटिंग, जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है। तो हाइलाइटिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर कॉस्मेटिक का ये वाला पैलेट, शेड है इसका मेटल मेडल, मिनी हाइलाइटर है ये हमारा। हाइलाइटिंग ब्रश यूज़ कर रही हूँ मैं, इसको मैं इस तरीके से अप्लाई करूँगी, इस तरीके से चेक बोन पे अप्लाई कर लूँगी। इसे मैं इधर भी अपना ब्रश हाईलाइट कर लूँगी, नोज़ को भी हाईलाइट कर लूँगी, ऊपर
थोड़ा चिन पे, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे भी अच्छा लगता है हाईलाइटिंग करना। मेकअप जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं और मैंने हेयर स्टाइल भी बना लिया। हेयर स्टाइल में मैं इतनी प्रो नहीं हूँ तो मैंने कुछ नहीं किया है, सिंपल एक जूड़ा बनाया है पार्टीशन करके और अपनी मांग भर ली है। और जूड़ी के लिए मैं कुछ भी हैवी जूड़ी यूज़ नहीं करूँगी, मैं सिंपल अपना एक मंगलसूत्र यूज़ करूँगी। मंगलसूत्र मैंने पहन लिया अपना, मैं ईयरिंग्स ये वाले पहन रही हूँ। मैं अपने ब्रोज को और अपने आईज़ को अब हाईलाइट कर लूँगी, ये रह गया था। तो इस तरीके से मैं अपने ये हो गया और यहाँ पे हल्का हल्का रोज के नीचे भी हाइलाइटर अप्लाई कर लूँगी। एक देखना अब लुक में कितना एक चेंज आ जाता है जब इस तरीके से हम हाइलाइटर अप्लाई कर लेते हैं, आईज ना कुछ ज़्यादा ही उभर के आती हैं। फिर अब लुक जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ अब कमी है एक चीज़ की, वो है बिंदी। तो वो बिंदी के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ रेड कलर की बिंदी यूज़ करूँगी मैं। गाइज ये है मेरा फाइनल लुक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आज का ये लुक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अब मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।